हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है दोपहर से और मैं बना रही हूँ दोपहर के खाने में आलू और गोभी की सब्ज़ी। और आज दिन है बुधवार, तो मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ, मशीन भी मैंने लगा रखी है। तो पहले मैं आलू गोभी को छौंक लगा लेती हूँ और ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। इसमें मैंने डाल दिया है जीरा और जीरा ब्राउन होने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है छौंक प्याज का। तो अभी मैं इसको चला लेती हूँ, जब तक ये ब्राउन सा हो जाएगा तब तक मैं सारे सूखे मसाले को एक जगह कर लेती हूँ। और सारे सूखे मसाले मैंने लिया है धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, कलर वाली मिर्च, सब कुछ रख लिया एक जगह करके। और टमाटर मैंने अभी तक नहीं काटा था, तो अभी मैं पहले काट लेती हूँ टमाटर को। और टमाटर को मैं ज़्यादातर सब्ज़ी छोंकते टाइम ही काटती हूँ, पता नहीं मुझे यही आदत है पहले से ही। और जब मैं इसमें छौंक डाल लेती हूँ कुकर में, फिर मैं टमाटर काट लेती हूँ उसी बर्तन में। और मैं ज़्यादातर साथ के साथ ही काटती हूँ टमाटर, और छौंक मेरा हो गया है। मैंने इसमें सारे सूखे मसाले भी भून लिए हैं और इनको अच्छे से भूनने के बाद, चलाने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। और टमाटर को अच्छे से पकाने के बाद ही फिर मैं इसमें आलू गोभी भी डाल दूँगी। और टमाटर मेरे ऐसे ही गल जाते हैं, मैं इनमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और फिर इनको चमचे से आराम से एक जगह मिक्स कर लेती हूँ, तो ये आराम से गल जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर इनको ऐसे ही पकाती हूँ। और फिर मुझे डालना है इसमें आलू गोभी, तो आलू गोभी भी मैंने अच्छे से वॉश करके रखे हुए हैं यहीं पर। और मैं आलू गोभी ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, और अगर चाहें तो इनको फ्राई करके भी बना सकते हैं, ऑयल में फ्राई करके। मैंने पहले भी बनाए थे एक बार, तो ऐसे भी टेस्टी लगते हैं, और ज़्यादातर तो हमें तो ऐसे ही टेस्टी लगते हैं। और बस मेरा छौंक सारा रेडी है, अभी मैंने इसमें आलू गोभी डाल दिए हैं। इनको अच्छे से चलाने के बाद फिर मैं कुकर बंद करके रख दूँगी इनको बनने के लिए। ये बन जाएंगे, अभी तक कुछ काम नहीं हो पाया है मेरा, झाड़ू पोछा भी पड़ा हुआ है। तो इसको छौंकने के बाद पहले मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। वो मशीन मेरी चली रही है आज तो पूरे ही दिन चलेगी मशीन भी, बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं तो सारे ही वॉश करने हैं। कल बृहस्पतिवार है, फिर कल नहीं धो पाऊँगी, तो आज ही कपड़ों को भी वॉश करना है। और बच्चे भी घर पर ही है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाए आज, बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरी रात उनको बहुत ही ज़्यादा उल्टी लगी और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे बच्चे भी और मैं भी उनके साथ में। और हो ही जाता है, अगर बच्चों को कुछ हो जाए तो फिर माँ का मन तो परेशान होता ही है। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, यहाँ पर थोड़ा सा कूड़ा सा हो गया था बरामदे में, वैसे तो मैंने सारे में झाड़ू लगा दिया है। और अभी मैं लगा देती हूँ पोछा, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, मैं कपड़े भी कंघाल रही हूँ साथ साथ में पोछा लगाती हूँ। बीच बीच में कपड़े भी कंघाल कर फैला देती हूँ, क्योंकि मशीन मेरी ख़राब हो रही है तो उसमें ड्राई नहीं हो पाते कपड़े, ऐसे ही सुखाने पड़ते हैं। धूप भी पता नहीं कैसी निकल रही है आजकल, धूप भी अच्छे से नहीं निकल रही है, कपड़े भी 2 दिनों तक पड़े ही रहते हैं गीले, 2 दिन बाद ही सूखते हैं। तो अभी मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर को। कपड़े भी सारे वॉश हो चुके हैं, थोड़े बहुत कंघालने रह गए, उनको भी कंघाल कर मैं फैला रही हूँ साथ के साथ। और मैंने पोछा भी लगा दिया है पूरे घर को, बर्तन भी धुल गए हैं, सब लोगों ने खाना भी खा लिया है। और ये कपड़े मैंने इजी में धुले थे, तो ये मैंने हाथ से धोकर फैलाए हैं, पूरे घर को पोछा लग गया है। और कल हम जब आए थे तो घर की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी, मम्मी से तो पोछा नहीं लगाया जाता, और आने के बाद फिर पोछा लगाने का टाइम नहीं था। तो अभी मैंने पूरे घर को क्लीन कर दिया है, और अभी मैं बना रही हूँ पिट्ठी अपने लिए। मैं तवे पर ही बना लेती हूँ थोड़ी सी पिट्ठी को, तो अब वक्त का पता ही नहीं चलता, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कब सुबह से शाम हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। और शाम का खाना भी सब लोगों ने खा लिया है, तो मैं ये बर्तन ही वॉश कर रही हूँ, यही रह गए थे। तो फ्रेंड्स, शाम का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। कुछ तो नाम से आने के बाद सभी कुछ उथल पुथल है, कुछ भी बस में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है घर में।
पता नहीं कैसे कंट्रोल हो पाएगा, और कुछ बच्चों की भी हालत ठीक नहीं है तो मन भी इसी वजह से ज़्यादा परेशान है। ये वीडियो अगले दिन सुबह की, क्योंकि वीडियो का भी रूटीन चेंज हो गया है, तब से हम नहान से आए हैं और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए लंच। मैंने उनके लिए सब्जी तो बना दी है, तो अभी मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ और वो नाश्ता करके भी जाएंगे तो उनके लिए नाश्ता भी बनाना है। और अभी मैं शाम वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी तो इसी वजह से थोड़ी सी वीडियो मैंने सुबह की भी डाल दी है, क्योंकि कल की वीडियो बहुत कम बनी थी। और नान से आने के बाद सारा ही रूटीन चेंज सा हो गया है, कुछ दिनों तक ऐसा ही रहेगा। वीडियो भी पता नहीं मेरी कितनी लेट तक जाएगी, मुझे नहीं मालूम, पर फिर भी मैं डालूंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो वेट भी करते हैं ज़रूर। तो इसीलिए मैंने सब कुछ जो भी मुझसे हो पाया है वही मैंने वीडियो बनाकर एडिट कर दिया है। तो अभी ये वीडियो मेरी थोड़ी लेट जाएगी, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। और उनको देने के लिए मैंने खाना तैयार कर दिया है, तो बस उसी को मुझे बैग में भी रखना है अभी, तो वो भी तैयार हो रहे हैं जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी जाना है उनको, और उनको ट्रेन भी पकड़नी है, तो इसी वजह से थोड़ी जल्दबाजी है। और अभी ये जल्दबाजी में ही रेडी हो रहे हैं, क्योंकि इनको जो लेकर जाएगा वो भी नीचे खड़ा हुआ है, इनकी वेट कर रहा है। तो और अभी दिन भी बहुत लेट निकलता है, क्योंकि सुबह बहुत लेट तक तो अंधेरा सा ही रहता है, और फिर इनको जल्दी जल्दी में ही सब कुछ करना पड़ रहा है। और घर की भी बुरी हालत हो रही है, सुबह सुबह सारा कमरा बिखरा पड़ा है, ये भी मुझे समेटना है इनके जाने के बाद। फ्रेंड्स, इस वीडियो का एंड कर रही हूँ मैं सुबह को, कल मुझसे नहीं हो पाया, कल बहुत ज़्यादा काम था, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि गंगा स्नान से आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, सारा काम पूरा फैला हुआ था घर में। तो फ्रेंड्स, कल पूरा दिन ऐसे ही चला गया, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था, कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और आज बृहस्पतिवार, आज तो कपड़े भी नहीं धुले हैं, कल मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिए, जो बचे कुचे हैं वो कल हो जाएंगे। और कल मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का, भी थोड़ी वीडियो बन पाई है, और बच्चों की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि पूरी रात बस मैं जागती रही बच्चों के साथ में। दोनों बच्चों को उल्टी भी लगी बहुत ही ज़्यादा, और पेट में बहुत दर्द हुआ, क्योंकि तो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इतनी हालत ख़राब थी उनकी कि शाम के टाइम डॉक्टर के यहाँ भी गया, फिर भी आराम नहीं मिला। और फिर बस पता नहीं क्या क्या किया, तब जाके से थोड़ी देर नींद आई, और फिर कल इतना परेशान रहे दोनों बच्चे। और जिया को भी पूरी रात उल्टी लगी, अक्की को भी, और पेट में दर्द, दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है। तो मन उदास था मेरा, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, और काम में भी ध्यान नहीं था, पर काम तो करना ही पड़ता, फिर ज़्यादा काम फैल जाता है फ्रेंड्स। और अभी मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी गए हैं, तो सारा काम अभी फिनिश हो गया है, और अभी मैं इस वीडियो का एंड कर लेती हूँ और कल की वीडियो कर देती हूँ शुरू, और कल की वीडियो की स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो आपने गंगा जी की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, हमारे नहान की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, और आप लोग पूछ रहे थे कि आप नहान में कहाँ जाते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स मेरे मायके वाले तो सब सुकरताल में जाते हैं, और इधर इनका नहान अलग है, इनका नहान यहाँ पर पड़ता है धर्मपुरा, मुझे नहीं मालूम ये कहाँ पड़ता है, पर उसको धर्मपुरे का ही नहान बोलते हैं, उसमें जाते हैं ये लोग। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया हमारे नहान की वीडियो को, उसके लिए थैंक यू। और फ्रेंड्स, इसी तरह मेरे साथ बने रहना, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार मिल रहा है मुझे, इसी तरह मेरे साथ बने रहना, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेंट भी ज़रूर करें। और एक और आप लोगों के कमेंट बहुत आते हैं इस बात को लेकर कि आपका ससुराल कहाँ है, तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरा भी हक बनता है, अगर आप लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो मेरा हक बनता है कि मैं उसके जवाब दूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूछते हैं कि आपका ससुराल कहाँ पर है, तो मेरे ससुराल का गांव का नाम है तुलेड़ी। और एक फ्रेंड्स मुझसे बोल रहे हैं कि मेरा नाम लीजिए, उनका नाम है दामिनी कौर, तो थैंक यू दामिनी कौर जी, आप लोग मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो मुझे, इसी तरह मेरे साथ बने रहना, थैंक यू वेरी मच। और आप सबको, सभी लोगों को दिल से थैंक यू, जो जो भी मेरी वीडियो देखते हैं
वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और प्यार दे रहे हैं मुझे, उसके लिए थैंक यू। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो करती हैं पर एंड। तब तक अपना ख्याल रखिए, मौसम बदल रहा है, बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है, तो सब लोग अपना ख्याल रखिए, बच्चों का भी और अपना भी। हमारे घर में तो पता नहीं क्या आफत सी आ गई है एकदम से। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।